हाय गाइस, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं यूनिक आइडिया। सो गाइस, आज की डेट में आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का कितना ज़्यादा क्रेज़ है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। ट्रेंडिंग जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उस पर रील्स बनाने का, और उस पर अलग अलग इफेक्ट डाल के लोग रील्स बनाते हैं और उस पर काफ़ी मिलियन में व्यूज़ भी आते हैं। और काफ़ी सारे इसी होड़ में लगे हैं, हमारी रील्स पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लाइक आएँ, और नए नए जो इफेक्ट है वो उस पर अप्लाई करके अपनी रील्स बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ट्रेंडिंग इफेक्ट है और जो फेमस इफेक्ट है वो इंस्टाग्राम पे कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, खासकर जो रील्स लवर है, जो रील्स बनाते हैं डेली इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे इसको फाइंड करना है। जो भी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं अपने रील्स पे अप्लाई करने हैं वो कैसे अपने फाइंड करने हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपने इसको फाइंड करना है। भाई सबसे पहले चलते हैं हम इंस्टाग्राम पे। जैसे आप कोई रील्स बनाते हो वहाँ पे, जैसे आप बनाओगे वहाँ पे, बनाने के बाद आपको वहाँ पे इफेक्ट की ऑप्शन मिलेगी। जैसे आप इफेक्ट की ऑप्शन पे जाओगे वहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं। वहाँ पे सीधा ऊपर ऊपर ऑप्शन दी गई ट्रेंडिंग की। जैसे आप ट्रेंडिंग में खोलोगे तो वहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग में फिल्टर इफेक्ट चल रहे हैं वो सारे ऊपर शो होते हैं। यहाँ पे अलग से रील्स का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे रील्स में जो भी इफेक्ट यूज़ होते हैं और ट्रेंडिंग का अलग ही कॉलम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी स्पेशली कोई इफेक्ट फाइंड करना चाहते हो जो आपको नाम पता है या आपने किसी वीडियो में या रील्स में देखा है, तो वहाँ पे ऊपर सर्च की ऑप्शन है, वहाँ पे नाम लिख के आप सीधा ही इसको फाइंड कर सकते हो। और जो भी आपकी पसंद का आपने फिल्टर कहीं पे देखा है जिसका आपको नाम पता है तो आप डाल सकते हो। और वहाँ पे ट्रेंडिंग का ऑप्शन अलग ही है, तो ट्रेंडिंग का ऑप्शन भी आप देख के इसको अपनी वीडियो पे लगा के अपने अच्छे खासे व्यू पा सकते हो। सो गाइस, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी जो भी ट्रेंडिंग इफेक्ट होते हैं रील्स के लिए, रील्स वीडियो के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, वो आपको कैसे फाइंड करने हैं और आसानी से फाइंड करके आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे अप्लाई करके लाखों और मिलियन में व्यू पा सकते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो और ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को सुन पाने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।